नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मुंबई की अदालत में एक ऐसा मुकदमा दायर किया गया जिसमें रिपब्लिक टीवी आर भारत के न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी को टीआरपी घोटाले के मामले में हुई एफआईआर की चर्चा करने या जिक्र करने से रोकने की मांग की गई है। मुंबई के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त इकबाल शेख की ओर से दायर मुकदमे में मुंबई पुलिस के खिलाफ अवमाननापूर्ण रपटों के कारण वादी को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपए की क्षति की मांग की गई है। एडवोकेट आभा सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी और आर भारत ने मुंबई पुलिस को बदनाम करने का अभियान शुरू किया है, जिससे वादी को पीड़ा हुई है, जिससे मुंबई पुलिस विरासत पर गर्व है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार 15 अक्टूबर को कहा कि अपराध के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सीआरपी की धारा 439 के तहत दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 386 किसी व्यक्ति को मौत का भय या गंभीर रूप से घायल करने का भय दिखाकर जबरन वसूली करना और आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा के तहत दर्ज एफआईआर 4444/220 में जमानत मांगी गई। आईपीसी की धारा 66C पहचान की सजा चोरी करना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पुलिस स्टेशन शाहबाद, जिला हरदोई द्वारा। जस्टिस एन वी रमना ने कहा है कि एक जज के लिए सभी दबावों और बाधाओं को झेलना और सभी बाधाओं के खिलाफ बहादुरी से खड़े होना महत्वपूर्ण गुण है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज और भारत के आगामी चीफ जस्टिस जस्टिस एन वी रमना सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए आर लक्ष्मण की स्मृति में आयोजित ऑनलाइन शोक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे असंख्य गुण हैं जिन्हें एक व्यक्ति को जीने की आवश्यकता है, जैसे विनम्रता, धैर्य, दया, ठोस कार्य नैतिकता और लगातार सीखने और सुधार करने का उत्साह। जस्टिस रमना ने कहा कि एक जज को सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए और निर्णयों में निडर होना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि किसी भी कानून की अनुपस्थिति में न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार या उनकी एजेंसियां केवल इस आधार पर किसी नागरिक को किसी भी लाभ या सेवाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने अपने सेल मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अशोक एस किंगी की खंडपीठ ने अनिवार्य ए अरविंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। अरविंद ने सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए आरोग्य सेतु आवेदन के अनिवार्य उपयोग को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए 24 जनवरी 2018 को सुनाया गया फैसला पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 1 मई 2019 को अपलोड किया गया। गुरुवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया है और तथ्य की वास्तविकता के संबंध में एक रिपोर्ट जमा करने को कहा। जैसा कि विद्वान वकील ने कहा है, मामले में 733 दिनों की देरी हुई है, 333 दिनों की नहीं, जैसा कि आवेदन और कार्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है। न्यायमूर्ति एस के कौल और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि इस पहलू को रजिस्ट्री द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक आरोपी और बलात्कार पीड़िता के बीच समझौता दर्ज करते हुए मामला रद्द किया। उच्च न्यायालय से पहले पीड़ित ने कहा कि उन्होंने शादी कर ली है और पति पत्नी के रूप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये भी कहा था कि पहले लड़की के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हाथरस ने इस आधार पर मामले को बंद करने की याचिका को खारिज कर दिया था कि आयुग्मित अपराधों में इस तरह के समझौते में आदेश पारित करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।